गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 12 का एक चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, टॉपिक रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। आप लोग क्वेश्चन को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। देखिए, कोई एक्स जोन लिमिटेड है, 1,50,000 वाला डिवेंचर इशू करेगा, 50,00,000, डिस्काउंट 10%, 5,00,000। तो 1,00,000 डिवेंचर 50 ईच 10% डिस्काउंट पे इशू करेंगे, 45,00,000 रुपीज रिसीव्ड होगा, 5,00,000 रुपये डिस्काउंट, 50,00,000 का डिवेंचर हो जाएगा। ओके, और इसका डेट है 30 जून 16। ये 31 मार्च 18 को रिडीम्ड हो जाएगा, दैट इज ईयर 17-18 इसका रिडेम्पशन ईयर है। इशू लिखा है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड हुआ, कंपनी डिसाइड किया है डीआरआर क्रिएट करेगा। तो डीआरआर होगा 50,00,000 का डिवेंचर अगर आप इशू करते हो तो डीआरआर 25%, दैट इज 12,50,000 क्रिएट करना होगा। ये डीआरआर क्रिएट करेगा 31 मार्च 17 में, आ इन्वेस्ट करेगा फिक्स डिपॉजिट में जहां 10% इंटरेस्ट होगा, आ इन्वेस्टमेंट करेगा 1 अप्रैल को। तो इन्वेस्टमेंट का रूल है 15% ऑफ डिवेंचर टू बी रिडीम्ड। तो 50,00,000 का डिवेंचर है, 15% अगर इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो 15% इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा, 50,00,000 का 15%, 7,50,000। क्लियर? तो 7,50,000 का हमको इन्वेस्टमेंट करना होगा। आ इन्वेस्टमेंट के ऊपर रेट देखिए 10% है इंटरेस्ट, 10% जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें TDS भी डिडक्ट होगा 10%। जर्नल एंट्री करना है रिडेम्पशन का, डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ। तो पहले आप पूरा सवाल देखो, 1,00,000 रुपया 1,00,000 डिबेंचर 50 रुपया वाला इशू करेंगे, 10% डिस्काउंट, यहाँ 2 एंट्री 3 एंट्री यहाँ हो जाएगा। फिर DRR में ट्रांसफर करना है 31 मार्च 17, इन्वेस्टमेंट परचेज करना है 1 अप्रैल को, और ईयर रिडेम्पशन के टाइम में उस इन्वेस्टमेंट को बेच कर देंगे, इंटरेस्ट रिसीव होगा TDS के साथ, डिबेंचर ड्यू करके रिडीम कर लेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, सबसे पहले 2016 जून 30 हम लोग डिबेंचर इशू करेंगे, तो इशू का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो गया आपका 45 लाख। 50,00,000 का डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट, 5,00,000, तो 45,00,000 बिंग अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब जो लोग डिवेंचर अप्लीकेशन किए हैं उनको डिवेंचर अलॉट किया जाएगा, तो डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट पूरा 45 लाख, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5,00,000 टू 9% डिवेंचर अकाउंट 50 लाख बिंग अलॉटमेंट ऑफ 1,00,000 9% डिवेंचर ऑफ रुपीज 50 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ओके, अब ये जो डिस्काउंट है हम लोग के लिए लॉस है, तो उसको 2017 मार्च 31 PL अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे,
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट। 5 लाख रुपया लॉस हुआ उसको पीएल में ट्रांसफर कर दिया। बिंग बैलेंस ट्रांसफर, ये हो गया इशू ऑफ डिवेंचर का एंट्री। इशू ऑफ डिवेंचर में सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव हुआ, 1 लाख डिवेंचर इशू करेंगे, 50 वाला डिवेंचर है 50 लाख, 10% डिस्काउंट, 5 लाख डिस्काउंट कट गया, 45 मिला। इस एप्लीकेशन को डिवेंचर में ट्रांसफर कर दिए, 5 लाख रुपया डिस्काउंट रिकॉर्ड हो गया और वो डिस्काउंट पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो ओवरऑल हम लोग का 50 लाख रुपया का डिवेंचर इशू हो गया है। तो हम लोग 31 मार्च 2017 में, आप क्वेश्चन देखो, हम लोग को कंपनी डिसाइड किया है डीआरआर क्रिएट करेगा 31 मार्च 2017। डीआरआर का रूल है आपको 25% ऑफ डिवेंचर, 50 लाख का 25%, दैट इज 12,50,000 रुपया का डीआरआर क्रिएट करना होगा। 50 लाख का 25% इसी डेट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 12,50,000 12,50, ओके। बीइंग डीआरआर क्रिएटेड अप टू 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इशूड। जो डिवेंचर हम लोग 50 लाख का इशू किए थे उसका 25%, दैट इज 12,50,000 का डीआरआर क्रिएट करना पड़ गया एज पर रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन में देखिए यहां बोला था अब इन्वेस्टमेंट करेंगे 1 अप्रैल 2017 में, लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का पर्पस है जितना का डिवेंचर रिडीम होगा, दैट इज 50 लाख, 50 लाख का 15%, 15% दैट इज यहां पर अप्रैल 1 को डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15%, दैट इज 7,50,000 रुपया। बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेस्ड अप टू 15% ऑफ अमाउंट ऑफ डिवेंचर टू बी रिडीम्ड, जितना का डिवेंचर रिडीम होगा दैट इज 50 लाख का 15%, 7,50,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट परचेज किया गया। उस इन्वेस्टमेंट का नाम था 10% इन्वेस्टमेंट। ये काम हुआ अप्रैल में। अब 31 मार्च 2018 में डिवेंचर को रिडेम्पशन करना है तो इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो साल भर का इंटरेस्ट मिलेगा 75,000, 75,000, जिसमें 10% 7,500 TDS भी कटेगा। तब 31 मार्च 2018 को, दैट इज 2018 मार्च 31, इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 750 है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका 10% 75,000 इंटरेस्ट होगा। TDS वहां पे TDS आएगा, TDS अकाउंट डेबिट, इसका 10% 7,500 TDS कटेगा। तो हम लोग 750 का इन्वेस्टमेंट बेच दिए, 1 साल का इंटरेस्ट 75,000 मिला, ये हो गया आपका 825 में से 7,500 TDS कट गया,
तो हमको बैंक आएगा 817,500। बींग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट बेच दिए, इंटरेस्ट भी मिल गया, इंटरेस्ट हुआ 75,000, जिसपे 10% 7,500 TDS कट गया, जो बाद में गवर्नमेंट से हम लोग को रिसीव हो जाएगा। अब हम लोग डिवेंचर को ड्यू कर देते हैं, रिडेम्पशन के लिए डिवेंचर ड्यू हो जाएगा 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 50,00,000, 50,00,000 का डिवेंचर है, बिंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ओके, तो सबसे पहले आप देखो हम लोग डिवेंचर इशू किए 10% डिस्काउंट पे, तो 45,00,000 रिसीव हुआ, 50,00,000 का डिवेंचर दिए, 5,00,000 डिस्काउंट, डिस्काउंट को पीएल में ट्रांसफर कर दिए। एज पर लॉ हमको 25% DRR होना चाहिए, 50,00,000 का 25% 12,50,000 पीएल टू DRR कर दिए, 15% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 7,500,000 का इन्वेस्टमेंट परचेज किए, रिडेम्पशन वाला ईयर में बेचे विथ इंटरेस्ट। ओके, अमाउंट ड्यू किए हैं डिवेंचर होल्डर को, 50,00,000 रुपया देना है, चलिए उसको 50,00,000 पे कर देते हैं 2018 March 31st डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 50,00,000 ड्यू किए हैं, 50,00,000 पे कर देंगे। ओके, बिंग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर्स, क्लियर है। और लास्ट में जो DRR है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इसमें जो 12,50,000 ट्रांसफर किए थे रिडेम्पशन के बाद, उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट, बींग DRR ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ओके, तो ये हो गया डिवेंचर रिडेम्पशन के लिए ड्यू हुआ था, यहां पे कर दिए, और DRR में जो 12,50,000 ट्रांसफर था उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।